सावन में जिले के दक्षिणांचल में स्थित ऐतिहासिक बाबा मुंजेश्वरनाथ मंदिर में हर साल श्रद्धालुओं की भारी मात्रा में भीड़ जुटती है और पूरे महीने मेला लगने से रौनक रहती है। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से जहां सन्नाटा पसरा है, वहीं स्थानीय इक्का दुक्का जो श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं, उन्हें मंदिर प्रशासन लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर बारी बारी से पूजा अर्चना करने दिया जाए। वहीं कुछ श्रद्धालु दूर से ही भगवान शिव को प्रणाम कर फिर वापस अपने घरों को लौट गए। आपको बताते कि सदियों से विख्यात ऐतिहासिक बाबा मुंजेश्वर नाथ मंदिर लोगों के आस्था और विश्वास का केंद्र है। यहाँ मांगे गई भक्तों की मुराद पूरी होती है। यहाँ प्रत्येक सोमवार को लोग जलाभिषेक करते हैं और महाशिवरात्रि और सावन में मेला भी लगता है। इस बार कोरोना की वजह से प्रशासन और मंदिर व्यवस्था से जुड़े लोगों ने सुरक्षा के दृष्टिगत सावन में महीने में भर मंदिर को बंद रखने का निर्णय लिया है। ऐसे में यहाँ मेला तो दूर, लोग मंदिर में जल चढ़ाने भी नहीं आ रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंदिर के पुजारी संजय गिरी ने कहा, संजय गिरी मंदिर के पुजारी हैं। हम लोगों ने जो भी लोग श्रद्धालु आए, बारी बारी से सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए हम लोग पूजा पाठ करवाए हैं और पुलिस भी मुस्तैद थी यहाँ पर। यहाँ दूसरा सोमवार था, 100 से 150 लोग आसपास आए हुए थे और सावन के सोमवार को कम से कम 2000 के आसपास भीड़ होती थी श्रद्धालुओं की। लॉकडाउन के नियमों का जनता भी पालन कर रही है और हम लोग भी पालन कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस बना के बारी बारी से श्रद्धालुओं का पूजा पाठ कराया जा रहा है।